मध्य प्रदेश सरकार खुद मान रही है कि इस साल बारिश में जो तबाही का मंजर दिखा है उसमें जन और जानवर के साथ लोगों का आम जन जीवन चौपट हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि अभी तक 36 जिलों में बारिश ने जो तबाही मचाई है उसमें 202 इंसानी जिंदगियां दुनिया से चल बसी, 600 जानवर पानी में खत्म हो गए, जबकि 9000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह बयान गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में योजना समिति के दौरान दिया। बाकी जिलों में सामान्य से कम है, जहां जहां वर्षा अधिक हुई है, हाई अलर्ट जारी है, वहां मैंने समस्त कलेक्टरों को कहा है कि आप सबसे पहले जहां जनधन की हानि हो रही है, इसमें करीब हमारे मध्य प्रदेश में 202 लोगों की मृत्यु हुई है, अभी तक 600 करीब पशुओं की मृत्यु हुई है, 9813 इसमें अभी तक मकान गिरे हैं लोगों के, हमने 8000 पूरे मध्य प्रदेश में 8600 अस्थायी कैंप लगाए हैं। अस्थायी कैंप में हम उनको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए 50 किलो गेहूँ की व्यवस्था कर रहे हैं, और इसके बाद में जहाँ जहाँ सड़क खराब हुई है, फसलें खराब हुई हैं, उसका आकलन करने के लिए कलेक्टरों को कहा है कि वो जल्दी से जल्दी इसका आकलन करें। 60 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया है, अभी 50 करोड़ रुपया करीब बांटने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और विस्तृत इसका जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका हमने का आकलन करके दो, ताकि कुछ सहायता राशि हम लोग केंद्र सरकार से भी मंगा सकें। यह बयान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में योजना समिति की बैठक के दौरान दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इन जिलों में 8000 से ज्यादा राहत कैंप खोले हैं, जो बेघर लोगों को राशन पानी दे रहे हैं, साथ ही 50 करोड़ की राशि आपदा में पीड़ितों में बांटी जाएगी। इस बारिश में प्रशासन के सारे इंतजाम फेल हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अभी तक सरकार ने अपना कोई दौरा कार्यक्रम नहीं बनाया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंत्री जी बारिश के अंत में पीड़ितों की सुध लेने वाली सरकार की नीयत का बखान कर रहे हैं। किसान की फसल चौपट हुई है, उसका भी अभी तक कोई सर्विस शुरू नहीं हुआ है। जन और जानवर के साथ चौपट हुई फसलों में पूरे मध्य प्रदेश में 50 करोड़ रुपए जो आपदाओं के लिए आए हैं वो अगर बटेगा तो शायद मुसीबत के मारों को 100-100 रुपए भी नसीब न हो पाएगा। फिलहाल सरकार की मंशा पर अब सवाल खड़े करना बेमानी है, क्योंकि सरकार को अभी और भी काम है। नफीस खान के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।